गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ACK। आज तो क्या ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे है, आज कुछ स्पेशल हो रहा है मेरे घर पे। शायद मैं अभी आपको थोड़े में बताने वाला हूँ क्या चीज़ है। आज मेरे घर पे एक बनने वाली है दाल, ठीक है। वो दाल तो आप यूजुअली खाते, लेकिन आज कुछ स्पेशल दाल बनने वाली है। और कौन बनाने वाला है आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप शॉक हो जाओगे, ठीक है। तो अब मुझे दाल बनने में, देखो मेरे साथ कौन है, देखो इधर है ये मैडी, आज ये बनाने वाला है दाल मेरे साथ। आज ये दाल बनाने के लिए आया मेरे घर पे। आंध्रा का दाल तो आपको पता ही होगा कितना फेमस होता है, क्योंकि मैं भी जब आंध्रा ट्रैवल करता हूँ तो बहुत अच्छा दाल वहाँ पर और उसका एकदम गरम गरम खाने को देते हो। सो अभी वो दाल बनाना, अभी तो प्रिपरेशन मेरा चालू है उसका, तो देखते रहिए, अपडेट करता रहता हूँ बात बात में। तो दोस्तों अभी खाने की प्रिपरेशन चल रही है। सो अभी फिलहाल मेरी मम्मी और मैडी दोनों साथ में कहीं बाहर गए हैं कुछ लाने के लिए, और अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशन होने वाला, क्या क्या डालने वाला है। तो आप जरा देखिए, मैं आपको बताता रहता हूँ रहा ये आइटम वो सब डालेगा। दाल के अंदर ये है टमाटर, ये है कोथिंबीर, कड़ी पत्ता, ये दाल है, इसके अंदर इसने जिंजर कूट के रखा हुआ है, ये तेल है, इसके अंदर ये प्रेशर कुकर है, इसके अंदर इसने घी डाला है, और ये राइस तो रेडी है खाने के लिए, ये भी दाल है, और ये पालक जो आप दाल जो बनाने वाला है। उसी भी आंध्रा का दाल जब मैं खाता हूँ मेरे को हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक अलग ही टेस्ट है बॉस। जब भी मैं तिरुपति आंध्रा रोड पे जब भी मैं जाता हूँ ना, तो दाल और राइस उसके साथ दो तीन टाइप की जो चटनी होती है और पापड़ वापड़, भाई कसम कभी ठंडा खाना नहीं देते, हमेशा एकदम गर्म गर्म स्टीम फूड ला बोलते ना, एक स्टीम राइस ऐसा ला ला के मेरे को खिलाते थे। सो मैं और मैडी हम लोग जब भी जाते तो आंध्रा का खाना, भाई मैं कभी भी आज तक नहीं भूला हूँ। मैं जब भी जाता हूँ मुझे याद आता है कि यार कब खाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से ना मैं उस रोड पे आंध्रा रोड पे भी जा नहीं सकता यार, क्योंकि पता नहीं कब ये खत्म होने वाला है, कब मैं उस जगह पे जाऊँ। इसलिए तुम्हारा भाई ना बेचारा कर्नाटक के अंदर ही घूम रहा है। सो पता नहीं, मेरे हिसाब से मैं नेक्स्ट मंथ तो मैं किसी भी हालत में थोड़ा सा आंध्रा और महाराष्ट्र भी करने वाला हूँ, वो भी कवर अप कर लूँगा मेरे ब्लॉग में। सो रुका, जब मैडी आएगा तो मैं आपको मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से बना रहा है, तो वो भी दिखाऊंगा वीडियो। आप देख रहे हैं, देखो ये बॉडी बिल्डर है, ये भी देखो मैडी दाल बना रहा है, देखो ये है इसका आइटम, वो क्या क्या डाल रहा है, देखो ये है नमक है, मिर्ची है, अपने हिसाब से वो खाना बना रहा है, जो दाल बना रहा है। वाह 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 वाह, दाल तो बन गई थी, देखो कितना अच्छे से बना रहा है, खुशबू तो आना स्टार्ट हो गया है वैसे भी। जब कोई दोस्त दाल बनाते हैं ना, एकदम यूनिक टेस्ट आएगा। देखो टमाटर वटर, वाह 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 क्या बात। इसका चेफ तो यही है हमारा, मैडी है, अकेला है वो, और हम लोग का पीछे उसको देख रहे हो कैसा बना रहा है। एक स्पेशल चेफ, फुल फोकस कॉन्सेंट्रेट, इधर उधर देखता नहीं है, खाना बनाने में लगा है भाई। हाँ तो भाई अभी वो दाल बनाने में प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि दाल को मेल्ट होने के लिए तो सीटी लगती है ना, तो अभी वो चल रहा है फिलहाल प्रोसेस, इसलिए हमने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ बैठ के बात करें हम लोग। तो भाई मैडी मुझे आप बताइए, तो अभी हम जो दाल जो बना रहे हैं आंध्रा का, वही दाल है जो हम लोग खाए थे आज से, वो वही दाल तिरुपति वाले में जब भी आके खाए थे। और मुझे एक बताओ, उसमें जो एक पाउडर टाइप का रहता है, वो कौन सा टाइप का पाउडर है वो? मेरे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बुआ, हाँ वो चटनी नहीं, एक्चुअली थोड़ी देर पहले मेरी बुआ ने मेरे को बोली थी कि वो बहुत टेस्टी होता है, कि उनको भी वो एक और चटनी रहती है, वो भी उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है दाल चावल के साथ, लेकिन दाल चावल का कॉम्बिनेशन उसमें घी डाल के खाएंगे और खास करके पापड़ रहेगा, तो और भी डिलीशियस रहेगा। लेकिन एक बात है बॉस, आप जब भी आंध्रा ट्रैवल करते हो ना, तो दाल चावल तो खाना ही खाना है, नहीं तो उसके बगैर मजा नहीं आएगा कुछ भी खाने में। क्योंकि हम लोग हमेशा जाते हैं दाल चावल, हमारे पास पहले का फोटो भी है, आपको जरूर दिखाएंगे। देखिए सर, हम लोगों ने फोटो लिया है कि नहीं लिया? नहीं सिर्फ हम लोगों ने, हाँ हम लोगों ने फोटो नहीं लिया है, लेकिन हम लोगों ने वो जगह हम लोग जानते हैं, उस जगह का नाम है बंस होटल करके, और बहुत अच्छा होटल है आंध्रा का, हाँ तिरुपति रोड पर है, बंस करके आप डालोगे तो गूगल में सर्च कर तो आ जाएगा बंस होटल, बहुत डिलीशियस अच्छा होटल है, खाना भी डिलीशियस है वहाँ पर, खास करके छोटा सा पार्क जैसा भी है ना, पार्क वार्क है, फोटो शूटिंग, हाँ फोटो शूटिंग भी बहुत अच्छा है, वो जानवर भी रहता है बहुत सारे उसमें, हमने देखा है मेरा और मेरा मैरिडी का बहुत फोटोज है उसमें जगह पे। हम लोग उससे पहले एक डोसा वोसा भी खाए थे ना हम लोगों ने, सब तिरुपति में खाया, तिरुपति में हम लोगों ने खाया था, हम लोगों ने तिरुपति जाने से पहला वो, लेकिन कर्नाटक में था, आंध्रा में नहीं था, लेकिन सुबह बहुत फॉग था ना, इसके लिए हम लोग रोड नहीं देख पाए थे, बहुत चिल था कर्नाटक में, सो हम लोग बहुत एक्चुअली हमने डोसा, वो फोटो है हमारे पास, वो फोटो उन्होंने सेव करके रखा है। सो जब अभी हम लोग कभी बाई चांस अगर हम लोग, मैं और मेडी वापस आगे तिरुपति गए, तो हम लोग जरूर फोटो भी डालेंगे, जितने भी सारे फोटोज हमने उस जगह पे निकाले थे वो हम लोग सब ब्लॉग में एड करके उसको एक अच्छा वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे।
तो अभी फिलहाल दाल का प्रोसेस चल रहा है, जब एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, 3-4 सीटी बजेंगे, जब मेल्ट हो जाएगा फिर मैं आपको आगे का वीडियो बताता हूँ, ठीक है? तब तक तो ब्रेक लीजिए। देखो ये है, दाल रेडी हो गई है, ठीक है? अभी उसको सिर्फ अभी ये तड़का मारने वाला एकदम स्टाइल से, तो आप देख रहे हो ये तड़का दे रहा है, देखो अभी इसकी तड़का स्टार्ट होने वाली है, सब रेडी है। अब खुशबू तो बढ़िया आ रही है यार, क्या बात है, चलो ये बनेगा तो कैसा है बस। लेकिन बात हाँ, ये जब ये तड़का लगता है ना तो भाई थोड़ा सा आप दूर हट जाइए, क्योंकि इसके चीटे उड़ते तो तड़के जैसा लगना फीलिंग आता है। मैंने बहुत बार दाल बनाया था तो एक बार मेरे हाथ में लग गया था, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये जब दाल बना रहा है, टेस्टी हो रहा है भाई, तड़के की खुशबू तो अलग ही आती है भाई, सच में बताओ ना बहुत टेस्टी और चटपटी बनने वाली है। अभी सूखी मिर्ची के तड़के लगे हुए हैं भाई, जब जिस दिन सूखा मिर्ची तड़का लगाओगे ना तो भाई थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर देना, तो जितना फास्ट रहेगा ना ऐसा डाल देना इतनी खांसी आएगी आदमी कास कस के पागल हो जाता है। तो अभी ये दाल उसमें डाल रहा है तड़के में, थोड़ा सा हमको तड़का देना पड़ता है ना, कि बचा हुआ जो रहता है वो हम लोग को कुकर में डालना पड़ता है। भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, ये आंध्र वाली फीलिंग आ रही है, जब कोई आंध्र बंदा ही बंदा है ना तो कभी फीलिंग आएगी ऐसी आपको। वाह 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 भाई, दाल चल रही है इसकी तो, फुल फोकस के साथ दाल बन रहा है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्टी जैसा लग रहा है, इसने बहुत ज़बरदस्त तड़का मारा है यार, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है देखते समय। अब वो बॉईल हो रहा है दाल, जैसा वो बॉईल हो जाएगा तब हम लोग खाएंगे, फिर हमको पता चलेगा कि रियल में आंध्रा का दाल का टेस्ट क्या है। और बहुत साल के बाद वापस से, कम से मुझे दो साल हो गए आंध्रा नहीं गए हुए, क्योंकि मैं हमेशा तिरुपति जाता था, एवरी ईयर में एक बार जाता था, लेकिन अभी इस बार नहीं जाना क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं गया पाया। अभी बस दाल बन रहा है, तो भाई जैसा बनेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि टेस्ट क्या होता है। तो अब जब हम सब मिल के बैठ के खाएंगे तो भाई टेस्ट एक अलग सा रहेगा, तो थोड़ा देर बने रहिए, मैं आपको बताते रहता हूँ बात में। तो भाई अभी हम लोग ने दाल खाया है, बहुत सॉलिड दाल बनाया था इस भाई ने, बहुत साल के बाद ऐसे दाल, मतलब आंध्र का खाने को अच्छा लगता है, पानी पानी हो गया हमें खाने को, तब एकदम नशा जैसा हो चुका है, नींद जैसी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हम सब गर्म गर्म खाना खाते हैं तो बाकी बात है, नींद तो आएगी, मुझे भी आ गई। और अच्छा बहुत डिलीशियस ऐसा, मतलब बिरयानी मसाला इसने बहुत सारा कुछ आइटम उसने ऐड किया था, तभी जब दाल जब बन के पक के रेडी हो जाती है तो वो स्मेल उसका अच्छा लगता है खाने में, खास करके जिंजर फ्लेवर भी उसमें अच्छा दिख रहा था, अच्छा टेस्ट हो गया, मज़ा आ गया खा के, एकदम फ्लैशबैक में चला गया था। और अभी भाई साहब भी खा के बैठे हुए, इसको भी एकदम सोना जैसा, नींद जैसा आ रहा है इसको भी, तो ये भी देखो अभी थोड़ी देर के बाद में भी भाई सब सो जाएंगे, मैं भी सो जाऊंगा, बहुत अच्छा लगा टेस्ट। सो भाई आज का था ये मेरा ब्लॉग, तो आंध्रा का दाल का आज का कुछ मैंने ब्लॉग बनाया था, कि भाई साहब आज मेरे आंध्रा ब्लॉग में खाना, जैसे कि मैं आपको बताया था कि आंध्रा का दाल होता है बहुत टेस्टी होता है, डिलीशियस होती है, तो मैंने भाई उसने मेरे को बना के खिला दिया। सो मिलते हैं भैया छोटे से ब्रेक के बाद, और अगर आपको मेरे चैनल को अगर पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना भैया, और लाइक का बटन भूलिएगा मत, और बहुत जल्द वापस नए ब्लॉग में मिलूँगा।